नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जीके के करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा। अगला है आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी, केरल में हुआ था। अगला है कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची एक में परमाणु अनुसंधान केंद्र और सूची टू में स्थान और कूट द्वारा मिलान करना है तो क्या होगा। तो मिलान अगर करते हैं तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए मिलान करते हैं। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका हो जाएगा पहले वाले से मुंबई। फिर है परमाणु खनिज प्रभाग, इसका हो जाएगा हैदराबाद। फिर है प्रगत औद्योगिक प्रभाव, इसका हो जाएगा दूसरे से इंदौर। फिर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका हो जाएगा तीसरे से कलपक्कम। अगला है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन डी, बर्खोयास्क। अगला, दी गई सूचियों को मिलाइए। सूची एक में जानवर हैं और सूची टू में अधिकतम संख्या और कूट द्वारा मिलान करना है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है गाय, गाय का संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से उत्तर प्रदेश। फिर बकरी, इसका हो जाएगा चौथे से राजस्थान। फिर है भेड़, इसका हो जाएगा, इसका भी दोस्तों चौथा बता रहा है कि राजस्थान, ओके। और फिर है भैंस, भैंस का संबंध हो जाएगा पहले से पंजाब। अगला है कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत में श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला है गति प्रेरक, पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। अगला है भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी, विश्वेश्वरैया। अगला है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन डी, उज्जैन। अगला, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए, झरिया। निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। पहला है कोटा, चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा नदी। भारत के प्रथम तीन सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी के बैराज। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर राज्य था। ऑप्शन डी, मगध। अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है।
ऑप्शन सी गामा किरण है। अगला, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी मंदारिन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति या फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी लिटन। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ के उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। अगला है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन सी सरदार पटेल। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी कॉर्निया। वर्ष 1978 में किसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए है धार्मिक और बी है भाषाई। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई? तो ऑप्शन सी एफ आइल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करना है और कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा कथन कहता है, विषुवतीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा होती है। और चौथा है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अत्यल्प होती है। अगला है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई? ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलग्न है? ऑप्शन ए रॉयल हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन बी भड़ोच। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसी कात्तो एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही का सोखना। अगला है, कलाए खंज अधिक मात्रा में किसके खाने से प्राप्त होता है, किसके खाने से होता है? तो ऑप्शन ए खेसरी दाल के। अगला है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन बी 33%। अगला क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए? ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार। अगला है, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है, कूट द्वारा बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। पहला है ऊंचाई, दूसरा है तापमान, तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन शक्ति। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ऑप्शन डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। अगला है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी रेड इंडियन। अगला, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंताक्षेपित करती हैं? ऑप्शन सी फार्मिक एसिड। अगला, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए
वर्ष 1945। अगला क्वेश्चन आपका है, चूने के तत्व का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंद गोभी। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन डी कल्पना चावला। अगला है, वैयक्तिक राजनैतिक आज्ञा उल्लंघन के लिए बंदी किए जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे। अगला, निम्नलिखित में किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? तो ऑप्शन बी वैलेंटिन सिरोल। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगला है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती हैं? ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।